हर खेल की जिस्म जान, जश्न शायरी का उन्वान, बख्श शायरी को पहचान, दिल्ली के दिल का सबसे पहले एक मतला दो लाइनें सुनेगा कि एक पल को एक पागल भीड़ खूनी हो गई, एक पल को एक पागल भीड़ खूनी हो गई, जिंदगी भर के लिए एक मांग सोनी हो गई। एक छोटी सी कविता है, छोटी सी नज़्म, तीन चार पंक्तियों की, कि लतपत पड़ी हुई है एक लाश खून में, लतपत पड़ी हुई है एक लाश खून में, मारा है जिसे भीड़ ने अंधे जुनून में, रो रो के लाश पर है उसकी माँ का बुरा हाल, ऐसे में मेरे जहन में उठता है ये सवाल, है कौन मजहबी जो ये पहचान बताए, ये आंसू है हिंदू या मुसलमान बताए। और समाधान क्या है, एक मतलब ये भी है, हिंदुस्तान की मिट्टी में मोहब्बत है, उसको खाली छेड़ा नहीं जाए, तो वो एक मतलब ये है कि है अपनो चैन अभी वक्त की दुआओं से, है अपनो चैन अभी वक्त की दुआओं से, कि है अपनो चैन अभी वक्त की दुआओं से, इधर ना आए गुजारिश से रहनुमाओं से, क्या बात, हमेशा अपने घर ले जाइएगा और इस पर काम पर अमल करिएगा। शेर सुनिए, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, अगर सींचा नहीं जाए, अगर सींचा नहीं जाए तो पौधा सूख जाता है हर कहानी में। और एक सादा सा शेर है जिसका जिक्र कर रहे थे यासीन जी इस गजल में, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको पढ़ाता है। और सुनेगा, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, ये शेर सुनेगा, नहीं है बेईमानी कर ये बादल की तो फिर क्या है, नहीं है बेईमानी कर ये बादल की तो फिर क्या है, मरुस्थल छोड़ कर जाने कहां पानी गिराता है। और दुनिया भर के वैज्ञानिक एक पहेली नहीं सुलझा पाया आज तक, शेर सुनेगा, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे के वो हमको, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे के वो हमको, बना कर क्यों मिटाता है, बना कर क्यों मिटाता है, मिटा कर क्यों बनाता है। और हमारे हर महानगर से, नगरों से, हर घर से बेटा निकला डॉलर कमाने, पौन कमाने, शेर सुनेगा, वो परसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, वो परसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, पता माँ बाप को भी है, पता माँ बाप को भी है वो कितनी जल्दी आता है। हमारी
हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है,